हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग और रोड कंस्ट्रक्शन गाइड की जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी फ्रेंड, उसमें मुझे कुछ कमेंट आए थे मेरे फ्रेंड्स के कि ऑडियो प्रॉब्लम है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, तो इसलिए वही वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रोड कंस्ट्रक्शन गाइड की जो सीरीज है उसकी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड, GSP कंस्ट्रक्शन, ग्रेनुलर सब बेस कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, क्या मेथडोलॉजी फॉलो की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी डिस्कशन करनी है जो कि आपको ज़रूरी है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कई सारे ऐसे डिस्कशन है जो नहीं कर सकता हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। पहले फ्रेंड मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, उसके बाद मैं आपको फील्ड इमेज के हेल्प से भी समझा दूँगा कि फील्ड पर आप कैसे ग्रेनुलर सब बेस कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। ग्रेनुलर मटेरियल यूज्ड इन सब बेस इज द मेजर स्ट्रक्चरल लेयर ऑफ रोड पेमेंट टू कैरी द ट्रैफिक लोड एज वेल एज ड्रेनेज लेयर। द मेन रोल ऑफ दिस लेयर इज टू स्प्रेड एवनली द लोड ओवर द सबग्रेड। द सब बेस सेल कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ ग्रेनुलर मटेरियल प्लेस्ड ऑन अ सबग्रेड। देयरफॉर ड्यू केयर नीड टू बी टेकन टू यूज स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड डिजायर्ड डेंसिटी शुड बी अचीव थ्रू एडिक्वेट कॉम्पैक्शन। बोलना चाह रहे जो ग्रेनुलर मटेरियल होता है या जो सब बेस का मटेरियल होता है, ग्रेनुलर सब बेस का जो लेयर होता है वो हमारे रोड की पेमेंट में या रोड की क्रस्ट की एक मेजर स्ट्रक्चरल लेयर होती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी GSP की लेयर है या GSP का जो क्रस्ट आपने लिया है वो आपके रोड पेमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के लिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, उसकी टफनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा जो GSP का वर्क है वो अच्छी तरह से हो। ये करता क्या है GSP की लेयर, इस पर जो भी लोड आते हैं, देखिए आपकी रोड आप बनाएंगे तो आप रोड इसलिए बना रहे हैं कि उसके ऊपर ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, ट्रैफिक आपका हैवी ट्रैफिक भी हो सकता है, लाइट ट्रैफिक भी हो सकता है, तो ट्रैफिक के कारण जो लोड आते हैं वो लोड सबसे पहले हमारी एसफाल्ट पेमेंट पर आते हैं, वो फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारी WMM या WBM की लेयर पर, और फिर WBM की लेयर से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे ग्रेनुलर सब बेस की लेयर पर, ठीक है। तो यही जो सिस्टम है वो नीचे तक चलता रहता है। अब ग्रेनुलर सब बेस पे जो लोड आते हैं उसके बाद जो लोड बहुत से मैक्सिमम जो लोड रहता है वो GSP की लेयर तक हमारा रेसिस्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी लोड बचता है उसको जो GSP की लेयर है वो हमारी सबग्रेड की लेयर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसको मैं आपको आगे एक इमेज की हेल्प से भी समझा दूंगा। तो जस्ट बिकॉज जो GSP की जो लेयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जो कंस्ट्रक्शन के लिए क्वालिटी कंट्रोल है, मेथडोलॉजी है, वो हमें स्टैंडर्ड और बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। इसमें आपको कोई भी कोताही या लापरवाही आपको नहीं लेनी चाहिए GSP के कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि फ्रेंड कई बार होता क्या है GSP की लेयर है वो एक आप समझिए मिड लेयर होती है हमारे रोड की, अगर उसमें कोई भी फेल्योर हो जाता है तो उसको रिपेयर करना बहुत महंगा पड़ता है। आपकी मतलब ये समझिए पूरा रोड आपको एक्सकेवेट करना पड़ता है और फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। इसलिए GSP का जो वर्क है आपको बहुत ही ध्यान से और स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल से आपको करना चाहिए। ये क्रॉस सेक्शन की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे नीचे होता है हमारा ओरिजिनल ग्राउंड लेवल या कोई भी फील्ड जहाँ पर आपको रोड बनाना है वो आपका कहलाता है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल। इसके ऊपर आप करते हैं एम्बेगमेंट। एम्बेगमेंट आप किस लिए करते हैं, क्योंकि एम्बेगमेंट एक फॉर्मेशन देता है रोड को, एक आपकी प्रोफाइल मेंटेन होती है, उससे हाइट मेंटेन होती है और एक व्यू आता है, एक आपकी रोड में एक प्लान प्रोफाइल बन जाएगी जिससे आपको इससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको रोड कितनी चौड़ाई बनानी है, उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, उसकी हाइट क्या रहेगी। तो ये आपको एम्बेगमेंट लेवल पर ही एडजस्टमेंट करना होता है सारा, जो भी लेयर की थिकनेस है एम्बेगमेंट की, जनरली जो हमारा फ्लड लेवल है, ग्राउंड फ्लड लेवल है, उससे एम्बेगमेंट की हाइट 30 सेंटीमीटर ऊपर रखी जाती है। इसके ऊपर हम करते हैं सबग्रेड। सबग्रेड का जो मटेरियल होता है वो एक सिलेक्टेड सॉइल होती है, मोर देन 7 CBR जनरली यूज की जाती है, या जो भी आपके एग्रीमेंटेड कंडीशन है उसके हिसाब से आप इस सबग्रेड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब सबग्रेड के ऊपर ये जो आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं
इसमें हम डालते हैं ग्रेनुलर सरफेस मटेरियल या जीएसबी का मटेरियल भी आप जिसे बोलते हैं, हम यहाँ पे फिल करते हैं। ये इसका मेन पर्पज होता है, एक तो जो इसके ऊपर से लोड जो आते हैं, ठीक है, तो लोड ये हमारे इस तरह से पूरी रोड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, नीचे तक की क्रस्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जीएसबी पर जो लोड आता है वो एक यूनिफॉर्मली, क्योंकि जब भी कोई ट्रैफिक चलता है ना तो वो पॉइंट लोड हमारे रोड पर अप्लाई करता है। तो ये अगर पॉइंट लोड हम सब ग्रेड पर डायरेक्ट चला जाएगा तो हमारे सब ग्रेड का पंचिंग हो जाएगा, इसलिए जो लोड है ये पॉइंट लोड को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सब ग्रेड की लेयर पर, जिससे जो हमारे सब ग्रेड है उसमें पंचिंग फेलवर नहीं होता है। और एक और काम जो फिल्टर लेयर का वर्क करती, फिल्टर लेयर मतलब क्या होती है, जब बारिश का सीजन होता है या वाटर लॉग एरिया होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू हमारा अपवर्ड की साइड में राइज होता है। तो अगर ये जो पानी है वो हमारा अपवर्ड तक चला जाएगा, यहाँ तक एसफाल्ट लेयर तक चला जाएगा, तो वो हमारी एसफाल्ट लेयर को नीचे से डैमेज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए जो जीएसबी है एक फिल्टर मीडिया के तौर पे भी काम करती है, जिससे जो हमारा पानी है वो यहाँ से बाहर हो जाता है, या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन दोनों तरफ से चल सकता है और जो एसफाल्ट लेयर उस तक ये नहीं पहुँच पाता है। अब एक नॉर्मल सी बात है कि जीएसबी का जो मटेरियल है वो कैसा हो सकता है, तो जो हमें स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड है वो हो सकता है हमारा मुरम हो सकती है, ग्रेवल हो सकता है। मुरम से मेरा मतलब ये नहीं कि आप सॉफ्ट मुरम पहाड़ की या किसी भी क्वेरी से खोद के मुरम आप डाल देंगे, मुरम आपके कुछ स्पेशल क्राइटेरिया हैं जीएसबी के लिए, वो क्राइटेरिया आपके फुलफ़िल होना चाहिए तभी वो मटेरियल आप जीएसबी में यूज कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया मैं आपको आगे और समझा दूंगा। तो आप मटेरियल लाइक मुरम, ग्रेवल, सेंड हो सकती है, सेंड मतलब जो आपकी रिवर सेंड होती है, अगर वो आपकी ग्रेडेशन क्राइटेरिया में आ रही है तो आप जीएसबी में यूज कर सकते हैं। ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स का जो ब्रोकन ब्रिक्स होती हैं वो यूज कर सकते हैं, मेटल यूज कर सकते हैं, मेटल्स मतलब एग्रीगेट स्टोन जो है वो यूज कर सकते हैं, स्लैग और रीयूज्ड क्रस्ट कंक्रीट, जो कंक्रीट होती है आपकी रीयूज कंक्रीट या रीक्रस्ट कंक्रीट जो होती है उसको भी आप जीएसबी के तौर पर यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेशल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स मतलब जो तो कम से कम आपको फुलफिल करना ही है वो है CBR मोर देन 30% होनी चाहिए, लिक्विड लिमिट लेस देन 25% होनी चाहिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 6% और वेट इंपैक्ट वैल्यू लेस देन 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम 50% से कम आपको इंपैक्ट वैल्यू वेट कंडीशन में इसकी चाहिए होगी। ग्रेडेशन रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेडेशन से मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल किस साइज का है, उनका ब्लेंडिंग परसेंटेज क्या है, कौन सा पार्टिकल कितने परसेंट में मिला हुआ है, किस रेशो में मिला हुआ है, तो वो सब हम ग्रेडिंग से मालूम करते हैं। अब अगर जीएसबी का ग्रेडिंग देखा जाए फ्रेंड, तो आपके रूरल रोड और जो NHSS होते हैं उसमें ग्रेडिंग तो सेम है लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन है, जो सिम्बलाइजेशन है वो अलग अलग है। अगर रूरल रोड में हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2 और ग्रेडिंग 3, तीन टाइप के ग्रेडिंग यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। ISC वार्डन आप इस प्रकार से फॉलो करेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपको यह 32.10 ये अक्टूबर हो गया, इसको 10 से लेकर 30% तक परसेंटेज ऑफ पासिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि हमें जो तीनों ग्रेडिंग है इन तीनों ग्रेडिंग में से कौन सी ग्रेडिंग कब यूज करनी चाहिए, तो इसके लिए एक बेसिक फंडा ये है कि अगर हमारी जो लेयर की थिकनेस है वो एग्रीगेट के साइज से 2.5 गुना होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए, उससे कम थिकनेस नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हम 75 mm नॉमिनल साइज के एग्रीगेट यूज कर रहे हैं जीएसबी में, तो हमारी जो लेयर की थिकनेस है वो कम से कम 2.5 गुना यानी कि 17.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी 15 सेंटीमीटर हमने जीएसबी लिया है थिकनेस में तो हम वहाँ पर ग्रेडिंग 2 यूज करेंगे। अब सपोज कीजिए हमने लिया है 10 सेंटीमीटर की थिकनेस में जीएसबी लिया है तो वहाँ पर हम ग्रेडिंग 3 यूज करेंगे, और हम अगर हमारी जीएसबी की थिकनेस 20 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर हम ग्रेडिंग 1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है हमारी थिकनेस उससे 2.5 गुना होनी चाहिए, तो वो आप ग्रेडिंग वहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। देखो अब हम देखते हैं जो मोर्थ हमें क्या ग्रेडिंग प्रोवाइड कराता है, तो मोर्थ
कि जो पॉकेट बुक है टेबल 9.3 ग्रेडिंग फॉर ग्रेनुलर सबबेस मटेरियल, यहाँ पर जो जीएसबी के लिए आपको 6 टाइप के ग्रेडेशन यहाँ पे दिए हैं, ग्रेडिंग 1 से लेकर ग्रेडिंग 6 तक आपको 6 टाइप के ग्रेडिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन कौन सी ग्रेडिंग कब यूज करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप समझिए जो ग्रेडिंग 1 और ग्रेडिंग 3 और ग्रेडिंग 4 है वो आपको पेमेंट लेयर के तौर पे यूज कर सकते हैं। पेमेंट लेयर मतलब अगर आप उसको क्रस्ट का पार्ट ले रहे हैं तब आप ग्रेडिंग 3 और ग्रेडिंग 4 यूज करेंगे। और अगर आप ऐसे ड्रेनेज लेयर, ऐसे फिल्टर लेयर, ऐसे ब्लैंकेट लेयर यूज कर रहे हैं तो आपको ग्रेडिंग 1, 2, 5 एंड 6 यूज करनी है। और अगर पेमेंट का एक स्ट्रक्चरल पार्ट, क्रस्ट का पार्ट ले रहे हैं तो आप ग्रेडिंग 3 और ग्रेडिंग 4 यूज करना है। अब ग्रेडिंग 3 और ग्रेडिंग 4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एग्रीगेट का साइज हो जाता है वो 53 mm से पासिंग रहता है और मिनिमम 75 माइक्रोन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट का मिनिमम साइज 75 माइक्रोन से अधिक होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 53 mm से कम होना चाहिए। तो ये आप ग्रेडिंग 3 और ग्रेडिंग 4 आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। बाकी के जो मिड आप देखेंगे अगर तो ये लगभग हमारे जो रूरल रोड में जो हम स्पेसिफिकेशन हैं ग्रेडिंग के लगभग वही होते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मोर्थ में भी ये टेबल दी हुई है तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और जानकारी। हम मेथोडोलॉजी को स्टडी करते हैं। मेथोडोलॉजी में देखेंगे फ्रेंड सब बेस टू बी प्रिपेयर्ड विथ मोटर ग्रेडर। जो जीएसबी का वर्क आप करेंगे वो आपको मैनुअली नहीं बिछाना है, मैनुअली लेइंग नहीं करना है, लेबर या किसी दूसरे मीन से लेइंग नहीं करना है। वहाँ पे आपको मोटर ग्रेडर यूज करना है इसकी लेइंग के लिए। मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट टू मेक जीएसबी अंडर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। मॉइस्चर कंटेंट टू बी चेक्ड एज पर IS 2720। आफ्टर एडिंग वाटर टू +1 to -2% ऑफ OMC मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड बाय मैकेनिकल और अदर अप्रूव्ड मीन लाइक डिस्कॉरो रोटावेटर अंटिल द लेयर इज यूनिफॉर्मली बेट। मतलब ये है जो आप OMC निकालेंगे उस OMC से आपको जो रोलिंग करना है इस फील्ड पर OMC पर तो आप +1% और -2% मॉइस्चर वेरिएशन फील्ड पर ले सकते हैं। इसके बीच इससे अधिक आपका वेरिएशन मॉइस्चर का नहीं होना चाहिए। और जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पानी का, जो स्प्रे करेंगे उसको, पानी को स्प्रे करने के बाद उसको प्रॉपरली मिक्स हो इसलिए आप यूज कर सकते हैं डिस्क हॉरो रोटावेटर। आपको यूज करना है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए और आपको तुरंत उसकी रोलिंग या कॉम्पैक्शन स्टार्ट कर देना है। सब बेस लेयर शुड बी स्प्रेड इन लेयर नॉट एक्सीड 100 mm कॉम्पैक्ट। अगर आपके पास लाइट कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स हैं तब आपको एक लेयर सिंगल लेयर 100 mm से अधिक नहीं लेनी है। और अगर आपके पास वाइब्रेटरी रोलर स्टैटिक माप के लिए जो वाइब्रेटरी रोलर आते हैं अगर वो आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको सिंगल लेयर 200 mm तक कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। रोलिंग के मेथड समझते हैं। एज टू सेंटर फॉर पोर्शन हैविंग बोथ साइड क्रॉस फॉल। अगर आप क्रॉस फॉल बना रहे हैं या कैम्बर बना रहे हैं तो जो आप रोलिंग करेंगे वो आप इस प्रकार से करेंगे जो आपका रोलर है वो एज से सेंटर की ओर अलाइन करेगा, यानी एज से सेंटर की ओर आपका रोलर चलाना है। और अगर आप सुपर एलिवेशन पोर्शन बना रहे हैं तो आपको इनर एज से आउटर एज की ओर आपका रोलर चलाते हुए चलना है। ओवरलैप मतलब मान लीजिए आपने आपका रोलर है 2.5 मीटर, उसकी व्हील विड्थ है, उसकी चौड़ाई विड्थ है 2.5 मीटर, तो आप जो रोलर का पहिया चलाएंगे वो 3.5 मीटर में रोलिंग करने के बाद उसको जब आप आगे बढ़ाएंगे या साइड में करेंगे उसको ट्रांसफर डायरेक्शन में आप अगली जो चौड़ाई में करेंगे तो आपको 1/3 ओवरलैप करके उसकी रोलिंग करना है। स्पीड ऑफ रोलर रहेगी वो रहेगी <5 km/h। कुछ फील्ड इमेज में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि हमने सब ग्रेड का बेस प्रिपेयर कर लिया है, इसके ऊपर हमें जीएसबी का लेइंग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार सब ग्रेड का बेस आपको प्रिपेयर करना है। आपको सब ग्रेड का बेस प्रिपेयर होने के बाद ये ध्यान रखना है कि सब ग्रेड की जो डेंसिटी है वो आपकी जो प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन डेंसिटी है, लेब डेंसिटी, उसकी कम से कम 97% अचीव हो जाना चाहिए। उसमें कहीं भी लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए, पंपिंग नहीं होना चाहिए। पंपिंग से मतलब उसमें कई बार क्या होता है जहाँ पर पानी का कम्युलेशन हो जाता है वहाँ पर कीचड़ हो जाती है, तो वो कीचड़ आपके सबग्रेड बेस में नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर ग्रेडियंट होना चाहिए, कैम्बर होना चाहिए। अगर आपके ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप इसके ऊपर जीएसबी का लेइंग कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड यहाँ पे हमने स्प्रेडिंग एंड लेइंग कर रहे हैं जीएसबी का। जीएसबी के लेइंग करने के लिए आपको ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा
मोटर ग्रेडर, और इसी के पीछे हमारा ये रोलर भी चल रहा है। तो आपको मोटर ग्रेडर की हेल्प से इसका लेइंग करना है। इसमें जो पानी है, इसमें हॉरो डिस्क भी लगी होती है, उससे आपका जो पानी है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको रोलिंग एंड वाइब्रेशन भी करते हुए चलना है। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे पैग एंड मार्किंग और सब बेस लेयर लेवल, मतलब क्या है इसका समझिए। देखिए हमारा जो RTL है, रोड टॉप लेवल है, ठीक है। रोड टॉप लेवल मतलब जिस लेवल तक हमें रोड का जो अपर सरफेस है या फिनिश सरफेस है उसको रखना होता है। तो ये हम क्या करेंगे, एक पैग्स यहाँ पर हमने लगा दिए, ये पैग्स के ऊपर हम हमारा RTL मार्क कर लेते हैं, और RTL मार्क करके एक हम स्ट्रिंग वायर या रस्सी यहाँ पर बांध दी है, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि हमारे GSP का जो बेस है उसका प्रेजेंट लेवल क्या आ रहा है। क्या वो ऐसा तो नहीं है कि आपको GSP के ऊपर WMM करना है, एसफाल्ट करना है या कंक्रीट करना है, तो जब आप उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको वहाँ पर आपका RTL डिस्टर्ब हो जाए, या RTL ऊपर हो जाए, या RTL नीचे हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, RTL मार्क करने के बाद यहाँ पर हमने RTL मार्क कर लिया है, इस प्रकार से 10-10 मीटर के डिफरेंस से हमने पैग्स को गाड़ लिया है, ठीक है। और उसको एक स्ट्रिंग वायर या रोप की हेल्प से बांध के यहाँ पर RTL चेक करते हैं। RTL से हमारा GSV का बेड है वो कितना नीचे आ रहा है या कितना ऊपर आ रहा है। अगर वो ज़्यादा ऊपर आ रहा है यानी उसकी हाइट ज़्यादा हो गई, तो आपको उसको वापस से उसको लूज करके उसको फिर से स्प्रेडिंग करना होगा, लेबलिंग करना होगा। और अगर लेवल नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो आपको वहाँ पर और GSV का मटेरियल डाल लेना चाहिए, और उसको फिर से रोलिंग कॉम्पैक्शन और कैम्बर बना के उसको प्रिपेयर करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने मार्किंग ऑफ सेंटर लाइन, सेंटर लाइन का मार्किंग किया है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कैम्बर बनाएंगे, क्रॉस फॉल बनाएंगे, तो आपको एक सेंटर लाइन के रेफरेंस से ही दोनों तरफ कैम्बर प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट में आपका कैम्बर मैक्सिमम रहेगा, और फिर दोनों तरफ ये डाउनफॉल हमारा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारी जो रोड की जो हाइट है वो मैक्सिमम रहेगी, और दोनों तरफ एक स्लोप यहाँ पर हमें देना होता है। तो अगर हम सेंटर लाइन मार्क नहीं करते हैं तो हमें कैम्बर के जो एक अलाइनमेंट होनी चाहिए, जो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो मिलाने में दिक्कत जाती है। और दूसरा ये भी है कि आप जब इस पर लेवल लेंगे, इसके GSV को टॉप लेवल लेंगे, तो आपको सेंटर लाइन और एज दोनों तरफ इसके लेवल लेना है। तो सेंटर लाइन आपको मार्क करके दोनों तरफ आप बराबर बराबर चौड़ाई में इसके जो ऑफसेट हैं, ट्रांसवर्स ऑफसेट हैं, उसके लेवल ले सकते हैं। जब आपका प्रोफाइल फिनिश हो जाए, तैयार हो जाए, तब आपको क्या करना है, इसका फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना होता है, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट करना होता है। मॉइस्चर कंटेंट आपको जब स्प्रेडिंग किया है पानी का, तभी आपको करना है कि पानी कितना है। OMC से प्लस 1% और -2% से ज़्यादा डेविएट तो नहीं हो रहा है, तो आप मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट कर लीजिए, रोलिंग कर लीजिए। उसके बाद उसका फील्ड डेंसिटी टेस्ट कीजिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से। और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में आपको जैसे फील्ड पे आपको रैपिड मॉइस्चर मीटर से आप टेस्ट कर सकते हैं इसका जो फील्ड मॉइस्चर है, और अगर जनरली हमें ओवन ड्राई मेथड से करना चाहिए, लेकिन फील्ड पे क्योंकि टाइम नहीं रहता इतना और क्विक रिजल्ट के लिए आप ओवन ड्राई मेथड के लिए नहीं रुक सकते हैं, तो आप रैपिड मॉइस्चर मीटर से टेस्ट करने के बाद ये जो सैंपल आया, इस सैंपल को आप पॉली बैग में रख के उसको लैब में जाकर मॉइस्चर कंटेंट आप ओवन ड्राई मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब फील्ड डेंसिटी टेस्ट के अलावा और क्या क्या टेस्ट होते हैं GSV कंस्ट्रक्शन में, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये हम GSV के लिए QAP प्लान, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान या इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग प्लान स्टडी कर लेते हैं। आपको देखिए कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो बिफोर कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ टेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन करना है, और कुछ टेस्ट आफ्टर कंस्ट्रक्शन करना है। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या क्या वर्क हैं जो आपको क्वेरी पे करना है, जब मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, तो वो होता है हमारा ग्रेडेशन, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। और इसके बाद है प्रोक्टर टेस्ट, CVR टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, वेट इम्पैक्ट वैल्यू, डिलीट्रियस कंटेंट। ये जो है आपको बिफोर कंस्ट्रक्शन, जब मटेरियल आपके फील्ड पर आने के पहले आपको अप्रूवल के टाइम पे ये टेस्ट करना है। इनके लिए लिमिट आप देख पा रहे होंगे, चाहे तो ये जो आपकी जो टेबल है, ये टेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, मैंने अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है GSV के अलावा, और भी बहुत सारे जो वर्क होते हैं एम्बेकमेंट का, WMM का, एसफाल्ट का, प्राइम कोड, टेक कोड, PQC या PCC, उन सब के लिए जो टेस्ट हैं या QAP प्लान है, वो सब आपको इस टेबल में मिल जाएगा। तो ये टेबल टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर कर दी है, वहाँ से ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो
तो ज़रूर लाइक करना। एक और मैं आप ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन बता देता हूँ, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन में आपको फील्ड कॉम्पिटिशन फील्ड डेंसिटी टेस्ट करना होता है। इसके लिए जो लिमिट है वो है 1 सेट पर 1000 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर एक सेट होता है हमारा 6 पिट का, यानी 6 पिट आपको पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में करने होते हैं। ठीक फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय। और यूँ इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।